सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में ड्रग लिंक की पड़ताल में भी नारकोटिक्स ब्यूरो जुटी हुई है, लेकिन सबके बीच सुशांत की यादें भी हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे शुरू से ही इस मामले में इंसाफ की मांग कर रही हैं। अंकिता सुशांत की फैमिली के साथ हर पल खड़ी नजर आती हैं। सुशांत की मौत से अंकिता सदमे में थी और करीब 40 दिनों तक उन्होंने सोशल मीडिया तक से दूरी बना ली थी, लेकिन इसके बाद अंकिता सामने आई और उन्होंने कई टीवी इंटरव्यूज में साफ शब्दों में कहा कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते। अंकिता सोशल मीडिया पर अक्सर सुशांत से जुड़ी यादें शेयर करती रहती हैं। अब अंकिता ने एक वीडियो रिपोस्ट किया है जिसमें सुशांत के साथ वह वैकेशन पर है। इस वीडियो के साथ अंकिता ने कैप्शन में एक प्यारी सी कविता भी लिखी है। अंकिता ने पोस्ट में बताया है कि यह वीडियो आदित्य रेड्डीज ने शूट किया था और कविता नताशा शर्मा रेड्डीज ने लिखी है। वीडियो में सुशांत पैराग्लाइडिंग के लिए उड़ान भर रहे हैं और अंकिता की तेज चीख सुनाई देती है। वह गुग्गू कहकर चिल्लाती है। सुशांत का नाम गुलशन था और अंकिता उन्हें प्यार से गुग्गू ही कहती थी। अंकिता ने वीडियो के साथ कैप्शन में एक भावुक कर देने वाली कविता लिखी। कविता की पंक्तियां हैं, काश तूने ये उड़ान भरी ही ना होती मेरे यार, या फिर काश तू जुड़ा रहता उन सब से जो तुझे तेरी जड़ों से जोड़े रखते थे। यूं तो शायद इतना तुझे याद ना करते हम यार, क्योंकि तू मशरूफ था, खुश दिखता था खुद की चुनी हुई नई दिलचस्प गलियों में। हम भी तेरे यार खुश थे तुझे ऊंचा उड़ता देखकर। इस तरह तुझे खो देने का इल्म होता अगर, तो तुझे ये उड़ान भरने ही ना देते हम यार, क्योंकि जब तू यहाँ ज़मीन पर था हम यारों के साथ हंसते थे, गाते भी थे, किस्से एक दूसरे को सुनाते भी थे। क्या हुआ जो ये हशर हुआ, सपनों को यूं जीता हुआ यार मेरा फिर कभी ना हंसेगा, ना रोएगा फिर कभी, ना जिएगा बस सोएगा, उसकी इस नींद को सुकून दे यार। अंकिता इससे पहले भी सुशांत से जुड़ी कई यादें शेयर कर चुकी हैं। कुछ दिनों पहले रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत क्लास्ट्रोफोबिक थे और उन्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता था। तब अंकिता ने सुशांत का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह फ्लाइट सिम्युलेटर के साथ नजर आ रहे हैं। अंकिता लगातार सुशांत के लिए न्याय मांग रही है। अंकिता और सुशांत ने पवित्र रिश्ता से टीवी जगत में अपने करियर की शुरुआत की थी। दोनों इसके बाद 6 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया। बीते दिनों अंकिता के घर बप्पा का आगमन हुआ था। गणेश चतुर्थी के मौके पर अंकिता ने बंद आंखें और हाथ जोड़कर बप्पा से यही मुराद मांगी कि सुशांत को इंसाफ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।